हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं खड़ा हूँ TVS के शोरूम पे और अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में RR 310 खड़ी है, जो 2022 मॉडल है, बिल्कुल न्यू मॉडल है। तो क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसके, क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और कितना माइलेज देती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप देख रहे हैं इस टाइम रेड एंड ब्लैक दोनों कलर मेरे पीछे खड़े हैं, और रेड जो कलर है उसका आप एक शॉर्ट लुक अलग वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी आज हम पूरा जो कवर करेंगे वो ब्लैक वाली का करेंगे, जो टाइटेनियम ग्रे कलर है उसका हम करेंगे, तो डुअल टोन में आपको इसमें मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो बीच में आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, फुल डिटेल वीडियो होने वाला है, एक एक चीज़ की हम बात करेंगे। और ख़ासकर मुझे जो इसका मीटर, जो TFT मीटर है, वो बहुत ही बढ़िया लगा। जो 5 इंच का मीटर आपको मिलता है इसमें, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप अभी देख रहे हैं मेरे सामने ब्लैक कलर में, आप देख सकते हैं इसे टाइटेनियम ग्रे कलर हम कहेंगे, टाइटेनियम ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दूर से दिखाता हूँ एक व्यू इसका, और अब मैं पास में ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक। तो कह सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्त गाड़ी है। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए, बट मुझे नहीं मिल पा रही, तो अभी फाइनली है, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो और रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। फ्रंट से हम शुरुआत करते हैं, फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूं गाड़ी। और फ्रंट से कुछ लुक ऐसा आता है, यहाँ पे हमें TVS की आप देख सकते हैं, और इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी जो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो आपको ग्रे कलर, आप टाइटेनियम ग्रे जिसे हम कहेंगे, और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है आप देखिए। तो फ्रंट की अगर हम बात करें तो हमें आपको विंडशील्ड मिल जाती है ट्रांसपेरेंट, आप देख सकते हैं, और बहुत ही हैवी हमें मिलती है यहाँ पे। इसका ग्लास जो कह सकते हैं काफ़ी हैवी है, अनब्रेकेबल कह सकते हैं ग्लास हमें यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे ग्लास पे ही स्मार्ट X कनेक्ट हमें मिल जाता है, आपको मैं दिखा देता हूँ पास से। और यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं DI LED टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी। तो प्रोजेक्टर लाइट्स हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं, 2 लाइट्स हमें यहाँ पे हेडलाइट्स मिलेंगी, और दोनों में ही हमें प्रोजेक्टर लाइट मिलेंगी एक। तो आप देख सकते हैं ये हमारी हेडलाइट्स और ये DRL हमारी आ गई हैं। तो DRL और आप देख सकते हैं हेडलाइट्स प्रोजेक्टर लाइट का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ये DRL मिल जाएंगी और प्रोजेक्टर लाइट दोनों में ही आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ABS आपको मिलता है। तो डुअल चैनल ABS के साथ में हमें गाड़ी मिलती है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड वगैरह और डुअल चैनल ABS का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इसके मडगार्ड के पास, तो आपको यहाँ ABS की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और ग्लॉसी ब्लैक ग्लॉसी लुक में आपको यहाँ पे फाइबर का मडगार्ड मिलेगा। तो मडगार्ड आप देख सकते हैं इसका डिस्क की तरफ, तो डिस्क आप देख सकते हैं 300 mm का हमें डिस्क मिल जाएगा फ्रंट का, और ULG सस्पेंशन के साथ हमें मिलती है, गोल्डन कलर के आप देख सकते हैं सस्पेंशन। तो आप सस्पेंशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं सस्पेंशन। और ब्रेक्स की बात करें तो फाइबर के हमें यहाँ पे ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और कलर आप देख सकते हैं सस्पेंशन पे भी, यहाँ पे भी हमें ब्लैक कलर यहाँ पे मिल जाता है, और साइड में भी दोनों तरफ हमें ABS ही मेंशन मिलता है यहाँ पे। और आप हम टायर साइज़ की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है 110x70, आपको 17 इंचेस के आपको टायर साइज़ मिल जाएगा। तो टायर मैं आपको दिखा देता हूँ, 110x70 17 इंचेस के आपको टायर मिल जाते हैं। और व्हील आप देख सकते हैं यहाँ पे TVS रेसिंग आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं व्हील कितना स्पोर्टी लुक आ रहा है, व्हील का डिज़ाइन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कूलिंग की हम बात करें तो आपको इसमें लिक्विड कूलिंग जन यहाँ पे मिल जाता है, कूलिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दे रखा है, जिससे आपकी गाड़ी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी लॉन्ग राइड के पर्पज़ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं DOHC, तो रिवर्स इंक्लाइंड आप देख सकते हैं आपको टेक्नोलॉजी मिलती है। और यहाँ पे डू नॉट ब्लॉक का आप देख सकते हैं दे रखा है, तो यहाँ ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, कुछ एयर वगैरह का, कुछ फ़िल्टर वगैरह का सीन होगा यहाँ पे। और इंजन के पास भी हमें TVS रेसिंग की ही ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी 3D लुक में, तो आप देख सकते हैं पूरा हमें ये जो टच मिलता है वो 3D लुक में मिलता है टच। और यहाँ आप देख सकते हैं
रेड कलर के आपको यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स के साथ में ग्रिल मिल जाएंगे, तो बहुत ही उम्दा लग रहा है। रेस यहाँ पे मेंशन लिखा आ रहा है, तो गाड़ी को मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। और पीछे की अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो मोनोशॉक सस्पेंशन सिंगल में हमें मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाचे की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी कार्बन फिनिश में, तो आप अपाचे यहाँ देख सकते हैं कार्बन फिनिश में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ब्रांडिंग जो मिल जाएगी अपाचे RR310 की आपको रेड कलर में ब्लैक के साथ में मिल जाएगी। और यहाँ नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं जो LED ही मिलते हैं। मैं आपको एक बार ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ, आप इंडिकेटर देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आपको LED ही मिलेंगे। और अब हम आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ दूर से ऐसी लगती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ हम आ जाते हैं सीधे एग्जॉस्ट की तरफ इसके, तो एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में आपको एग्जॉस्ट मिलेगा। और यहाँ आपको सिल्वर में कह सकते हैं आपको स्टील का कवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और रियर अगर हम डिस्क की बात करें, रियर डिस्क पे आ जाते हैं, तो 270 mm का हमें रियर डिस्क मिल जाता है। और पीछे के टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पीछे का टायर साइज़ काफ़ी ब्रॉड मिल जाता है, बड़ा मिल जाता है, तो 150x60 और 17 इंच का ही हमें टायर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप टायर साइज़ देख सकते हैं और व्हील आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड हमें मिल जाता है व्हील, और ट्यूबलेस टायर के साथ में हमें गाड़ी मिलती है। तो व्हील दोनों सेम है, आप देख सकते हैं व्हील का डिज़ाइन आगे का पीछे का दोनों का ही हमें यहाँ पर सेम मिलता है। और पीछे की तरफ हम आ जाते हैं इसके कवर की तरफ, तो यहाँ पे आपको एक सेफ्टी के पर्पस से कीचड़ वगैरह ना आए तो ये मिल जाता है कवर आपको, जो ब्लैक कलर में फाइबर में मिलता है हमें यहाँ पे। और पीछे आप देखेंगे, पीछे के लुक को मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे दोनों तरफ ही, तो एक रिफ्लेक्टर ये आ जाता है नंबर प्लेट के पास, एक ये आ जाता है और एक सेंटर में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। और पीछे के भी इंडिकेटर हमें नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं LED लाइट्स के ही साथ में, तो LED इंडिकेटर मिलते हैं। और पूरा सेटअप जो हमें इसका बैक लाइट का मिलता है, इसका टेल लाइट का, वो पूरा टेल लाइट का सेटअप LED का ही मिलता है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑन करके। अब पीछे का LED लाइट का सेटअप देख सकते हैं, तो फुली सेटअप हमें फ्रंट में हेडलाइट की अगर हम बात करें और टेल लाइट की बात करें तो पूरा हमें सेटअप LED ही मिलता है इसमें देखने को। तो पीछे का कुछ प्रोफाइल ऐसा देखने को मिलता है, रियर प्रोफाइल, तो वो पिलियन के लिए जो भी पीछे बैठता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैबरेल काफ़ी हैवी दे रखा है, ये भी मेटल का है, तो पकड़ने के लिए काफ़ी सेफ्टी के पर्पस से कह सकते हैं अच्छा है। और यहाँ पे भी हमें RR310 की ब्रांडिंग देखने को रेड कलर में मिल जाएगी। और राइडर के लिए आप सीट देख सकते हैं, काफ़ी कुशनिंग है और स्पेस है, बट कहीं ना कहीं पिलियन के लिए जो है आप देख सकते हैं पिलियन के लिए थोड़ी सी जगह कम मिलती है हमें यहाँ पर। और यहाँ पर TVS रेसिंग की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाएगी। और ये आपका सीट का लॉक खोलने के लिए आपको यहाँ पे एक की मिल जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि वो पिलियन के लिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम मिलता है। और वन साइड ही हमें यहाँ पे ग्रैबरेल देखने को मिलता है, इस साइड में हमें ग्रैबरेल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और फिर से हम आ जाते हैं इसकी दूसरी तरफ प्रोफाइल पर, तो यहाँ पर आपको कार्बन फिनिश में यहाँ पर आपको अपाचे मिल जाएगा। और यहाँ पे भी स्टिकर के साथ में आपको RR310 मिल जाएगी और रेड कलर के। मुझे पर्सनली ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है इसका फ्रेम का, इसका तो फ्रेम आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच का फ्रेम, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बिल्ड है अगर हम बात करते हैं तो, काफ़ी हैवी है ये इसका फ्रेम। और बात कर लेते हैं हम इसके ट्रांसमिशन की, तो 6 स्पीड गियर के साथ में आपको गाड़ी मिलती है। फर्स्ट गियर आपको डाउन मिलता है, बाकी आपको अप मिलते हैं, तो आप गियर देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें सेंसर मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ का भी। और पिलियन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटरेस्ट, तो पिलियन के लिए काफ़ी इजी फुटरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और राइडर के लिए फुटरेस्ट आप देख सकते हैं, लॉन्ग राइडिंग के हिसाब से पूरी गाड़ी हमें ये मिलती है स्पोर्ट्स बाइक। और आ जाते हैं हम इसके सीधे सीधे टैंक पर, तो यहाँ पर हमें हॉर्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, वो भी 3D लुक में। तो आप ये कलर देख सकते हैं, जैसा कि बताया टाइटेनियम ग्रे आपको पूरा टैंक पे आपको इसका शेप मिल जाएगा, बाकी जो अदर साइड बॉडी का आ जाएगा वो आपको ग्लॉसी लुक में, आपको ब्लैक ग्लॉसी लुक में मैं दिखा देता हूँ दूर से। तो अदर साइड जो हमें पोर्शन मिलेगा जो पूरा फाइबर का है वो आपको ग्लॉसी लुक में मिल जाएगा।
नीचे से ऊपर तक का, और बाकी टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है 11 लीटर का। तो 11 लीटर का हमें टैंक मिल जाता है। और सिटी में अगर हम इसके माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको लगभग 30 से 33 35 के समथिंग आपको माइलेज इसमें सिटी में देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे शायद इससे ऊपर भी आपको देखने को मिल जाए, वो भी आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं TVS Apache की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो डुअल कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे मिलता है, डुअल टोन के साथ में आपको कलर मिल जाता है, और अपाचे आपको यहाँ तक मेंशन मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको RR की ब्रांडिंग मिल जाएगी 310 की। तो आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं पूरी गाड़ी का, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके वेट की। तो लगभग वेट की अगर हम बात करें तो 174 kg हमें पूरा इसका कर्व वेट मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी हमें इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ आपको, दूसरी तरफ से काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस मिल जाता है हमें, लगभग 180 mm की, 180 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो काफ़ी ठीक है। स्पोर्ट्स बाइक में जैसा कि आप देखेंगे तो इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलती है हमें, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिल जाती है। निंजा से शायद इसमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलती है। तो आप अगर ऑफ रोडिंग भी इसे करते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेंटर स्टैंड इसमें नहीं दिया गया है, साइड स्टैंड ही ओनली आपको दिया गया है। इसका भी एक बेनिफिट ये है कि आपका सेंटर स्टैंड कहीं ना कहीं अगर आप ऑफ रोडिंग इसे लेके जाते हैं तो वो टच हो सकता है, फंस सकता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस को देखते हुए गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। स्पोर्ट्स बाइक है तो कवर वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी इसे सेफली डिज़ाइन किया गया है। और इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा गया है कि ग्राउंड अगर ऑफ रोडिंग या लंबे टूर के हिसाब से जाया जाए, गाड़ी को लेके जाया जाए, तो कहीं ना कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी लगी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी इसमें मिलती है हमें। और अब हम सीधे जो मेन अगर हम बात करते हैं वो इसके इंजन की करते हैं। 312.2 cc का हमें इंजन इसमें देखने को मिल जाता है। सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve इंजन हमें इसमें देखने को मिलता है। रिवर्स इंक्लाइंड DOHC SI इंजन हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो 34 PS की हमें पावर इसमें देखने को मिल जाती है 9700 RPM पे। और इसके टॉर्क हमें 27.3 PS का टॉर्क मिलता है 7700 RPM पे। हम आ जाते हैं सीधे इसके मीटर की तरफ। तो पहले मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ और फिर ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेंस आएगा 1982 TVS का ही, और TFT हमें मीटर मिल जाता है, मीटर कंसोल हमें TFT पूरा मिलता है, फुली डिजिटल मीटर मिलता है यहाँ पे हमें। तो आप स्क्रीन देख सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल की तरह पूरी हमें स्क्रीन मिल जाती है। तो बहुत सारे आपको एडिशनल फीचर इसमें मिलते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके मोड्स की तरफ। ये आप देख रहे हैं बटन यहाँ पे, तो यहाँ पे सेट का आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे राइड मोड आ जाएगा, और फिर नीचे आप देख सकते हैं सेट मोड आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ट्रिप ए ट्रिप बी आ जाएंगी, ट्रिप सी आ जाएगी, डे ट्रिप मीटर आ जाएगा आपका, इससे आप इसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए वापस हम चले जाते हैं तो माई व्हीकल पर आ जाएंगे हम, तो यहाँ सर्विस का आ जाएगा। प्रोफेशनल आप रिकॉर्ड यहाँ पर अपना रख सकते हैं, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आ रहा होगा। तो इसमें सबसे बढ़िया फीचर मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लगा। आपको हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना DL वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हमारा गाड़ी की RC वगैरह है, और जो भी हमारे खास खास पेपर हैं वो हम यहाँ पे इसमें सेव कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप उसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, बट अभी यहाँ कोई शो नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स 1, डॉक्यूमेंट्स 2, डॉक्यूमेंट्स 3। तो आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रखे होंगे वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। बाकी आपकी ट्रिप ए ट्रिप बी आ जाएंगी, गियर का ऑप्शन आ जाएगा, रेंज आ जाएगी, कूलेंट आ जाएगा, RPM आ जाएगी, आपकी रेंज आ जाएगी, थ्रॉटल आ जाएगा, आप कितना थ्रॉटल आप दे रहे हैं, और आपकी एक स्टॉप रेंज आ जाएगी, आप रेंज सेट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे हम वापस से जाते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं। आप यहाँ पे आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी आपकी आ जाएगी, डिस्प्ले सेट आ जाएगा, कस्टम आप देख सकते हैं, स्पीड अलर्ट आ जाएगा। तो बहुत सारे आपको इसमें फ़ीचर्स मिलते हैं जो आप यहाँ से ही इसे ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे फ़ीचर्स हैं, इसका कोई जवाब नहीं। तो आप पूरा जैसा डिजिटल आपको स्क्रीन मिल जाती है, सारे फ़ीचर्स आपको मिल जाते हैं, सारे मोड्स, सारे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, नेविगेशन का आपको सिस्टम पूरा मिल जाता है। तो पूरी गाड़ी आपको, मतलब पूरा नेविगेशन आपको सेटअप मिल जाएगा इसमें।
तो बहुत ही ज़बरदस्त मीटर मुझे लगा, TFT मीटर आपको फुली डिजिटल मीटर मिल जाता है। और यहाँ पे हमारी आप देख रहे हैं क्लॉक आ जाएगी, क्लॉक भी हम सेट कर सकते हैं, ABS का आ जाएगा। मैं वापस चलता हूँ, यहाँ पे बैक कर लेता हूँ उसे। और यहाँ पे मैनुअल का देखेंगे आप तो मैनुअल का ऑप्शन आ गया, तो मैनुअली आप इसे सेट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम वापस जा रहे हैं, फिर बैक कर लेते हैं हम इसे। डेट वगैरह, तारीख वगैरह सब कुछ आप इसमें सेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ फ्यूल का आ जाएगा, ABS का आ जाएगा, और आपका साइड स्टैंड कट ऑफ का भी आपको इसमें सिस्टम मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे फीचर्स यहाँ पे इन बटनों के साथ में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको लो बीम, हाई बीम, पासिंग का स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हैजर्ड लाइट आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगी, हैजर्ड लाइट का स्विच है ये, यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा। और लेफ्ट हैंड इंडिकेटर हमें मिल जाएंगे, और हॉर्न यहाँ पे आप नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिल जाएगा। और साइड में हम आ जाते हैं तो साइड में कुछ ऐसा हमें यहाँ पे किल स्विच मिल जाता है देखने को, सेल्फ का और किल का। तो आप, और जब आप गाड़ी लेंगे, बाय करेंगे, तो कुछ मोड्स जो हैं वो आपके और ऑन हो जाएंगे जो अभी ऑन नहीं हैं। ये आ जाते हैं इसके प्राइस की तरफ। तो बरेली में TVS ग्रोवर, जैसा कि मैंने बताया, शोरूम है CVगंज पे, आपको मिल जाएगा, मिनी बाईपास शोरूम है। और यहाँ का मैं कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड प्राइस की। तो आपको 3,02,000 रुपये की ऑन रोड आपको मिलती है। तो कंप्लीट ये विद ऐसी सीरीज़ ही है, कंप्लीट फिटेड ऐसी सीरीज़ है। इसमें एक ख़ास बात और है कि आप इसमें अलग से मॉडिफ़िकेशन भी करा सकते हैं, अलग से आप ऐसी सीरीज़ भी लगवा सकते हैं, और अपना कलर वगैरह भी इसमें सेट करा सकते हैं। रिम वगैरह, जो व्हील वगैरह हैं, आप देख सकते हैं आपको जो कलर मिल रहे हैं व्हील के, वो भी आप रेड कलर या और भी कलर में आप इसे करा सकते हैं। और हम एक्स शोरूम की इसकी बात कर लेते हैं, तो एक्स शोरूम जो हमें इसका मिलता है वो 2,59,990 रुपये मिलता है। तो ऑन रोड आप देख लीजिए कीमत जो है बरेली में 3,02,000 रुपये हमें मिलती है। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, नए अपडेट के साथ में। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो भी अपडेट आता है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं और ला सकूं।